दोस्तों आज की वीडियो में मेरे पास है एक प्रोडक्ट जो कि काफ़ी दिन हो गया मुझे यूज़ करते हुए। ये है अर्बन कंपनी की तरफ से आने वाला TWS अर्बन बीट 600। इसको मैंने दोस्तों परचेस किया था 8 महीने पहले, तो लगभग 250 दिन हो गए हैं इसको मेरे पास। तो मैं इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर चुका हूँ, घर में काफ़ी रफली यूज़ हो चुका है। तो इसका आपको मैं आज फुल रिव्यू शेयर करूँगा ताकि आपको डिसाइड करने में हेल्प हो कि किन लोगों को ये परचेज़ करना चाहिए और परचेज़ करना चाहिए भी या नहीं। तो देरी ना करते हैं, जैसे मैनेज करते हैं। वीडियो मैं चाहूँगा थोड़ी शॉर्ट में ख़त्म हो जाए क्योंकि अच्छे से यूज़ कर चुका हूँ, तो स्पेसिफिकेशन की तरफ नहीं जाऊँगा, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कैसा रहा इसको यूज़ करने में। तो अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, बिल्ड इसकी काफ़ी अच्छी है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वाइट कलर है तो स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पर डेफिनेटली आए हैं क्योंकि 8 महीने हो गए, बहुत ज्यादा रफ मैंने इसको यूज किया है, तो थोड़ा मैला भी हो गया, स्क्रैचेस वगैरह भी आए हैं, बट मैट फिनिश के साथ आता है। फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ पर नहीं आते हैं क्योंकि ग्लोजी नहीं है, मैट फिनिश के साथ आता है। तो ऑल ओवर मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी है, आपको भी डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी इसकी पसंद आएगी। आराम से पॉकेट वगैरह में आप रख सकते हैं, हाथ में आपके आराम से आ जाता है, तो आपको परेशानी इसके साथ नहीं होगी। वहीं से अगर इसके TWS की बात करूँ तो वो भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाते हैं, वहां पर आपको कोई स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगी, चाहे कितने भी आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर लें। ये एकदम से फ्रेश है, यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे नहीं है, और इनकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, आपको फिटिंग के मामले में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ है, इनके अंदर सिलिकॉन फिट नहीं है, तो ये इनकी जो फिटिंग है वो ईयर टू ईयर डेफिनेटली डिपेंड करेगी, क्योंकि किसी के ईयर का साइज़ अगर बड़ा है तो उनको थोड़ा सा लूज फील होगा। अगर ये प्रॉपर फिट हो जाते हैं तो डेफिनेटली एक परफेक्ट फिट आपको मिलेगा, परफेक्ट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ईयर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे हो जाती है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आपके सिलिकॉन टिप्स अगर यहाँ पर होती है तो आपको बेटर कॉलिंग का एक्सपीरियंस मिल जाता है क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन थोड़ी हो जाती है, और बेटर साउंड का एक्सपीरियंस भी मिलता है क्योंकि बेस काफ़ी अच्छा आता है। तो वो थोड़ी चीज़ यहाँ पर रहेगी, बट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हल्के हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आपने एक भारी चीज़ पहनी हुई है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ कानों में पहना हुआ है। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। बात करते हैं कि इतने दिनों में इसका बैटरी का एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा है। तो देखिए दोस्तों, बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसकी बैटरी बैकअप अच्छा लगा है। अब देखिए, ये 999 प्राइस का आता है, तो इस प्राइस में आपको और भी ज़्यादा बैटरी बैकअप वाले TWS देखने को मिल जाएंगे, बट फिर भी जिस तरह की इसके अंदर बैटरी बैकअप यहाँ पर दी गई है तो मुझे उससे परेशानी इतनी नहीं हुई है। आपको 4 घंटे के आसपास का इसके TWS के अंदर बैकअप देखने को मिल जाता है, और अगर केस की बात करूँ तो आपको 15-16 घंटे का बैकअप देखने को मिल जाता है, और चार्ज होने में भी 1.25 घंटे के आसपास लगता है, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई है। तो अगर आपको और ज़्यादा बैटरी बैकअप वाला चाहिए तब आप दूसरे की तरफ जा सकते हैं, बट मैं इससे खासी शिकायत नहीं करूँगा बैटरी बैकअप के साथ। पर बात कर लेते हैं कॉलिंग की, कॉलिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा, अगर आप कॉलिंग के लिए इसको जो परचेस करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए, आपको और बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, या फिर इसका जो लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है बीट्स 400, वो कॉलिंग के लिए ज्यादा अच्छा है, बट उसके अंदर कुछ और कमी हो सकती है, उसके लिए आपको रिव्यू देखना पड़ेगा। तो उसके रिव्यू के लिए आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, इसका रिव्यू मैंने वहां पर दिया है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वो आपके लिए कैसा रहेगा। बट हाँ, कॉलिंग के लिए ये स्पेशली नहीं है। हाँ, डिसेंट कॉलिंग आप इसमें कर पाएंगे कि आपको डे टू डे में थोड़ी बहुत कॉलिंग अगर करनी पड़ती है तो इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप मार्केट एरिया में जाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या शोर वाले एरिया में जाएंगे, रोड पर जाएंगे, तो थोड़ी आपको सुनने में दिक्कत हो सकती है। बट हाँ, आपको आराम से सुन जाएगा, सामने वाले को भी सुन जाएगा, इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आपको प्राइस भी देखना है और बाकी चीज़ें भी देखनी है। इस प्राइस में आपको कॉलिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप प्रेफरेबली इसको कॉलिंग के लिए परचेस करना चाहते हैं तो आपको ना है, एकदम से कॉलिंग के लिए इसको परचेस मत कीजिए। तो अगर आप इसको कॉलिंग के लिए परचेस करना चाह रहे हैं तो ये है इसका फाइनल आउटपुट कॉलिंग के थ्रू, इसके माइक के थ्रू। तो अब आपको इसके अंदर लग जाएगा कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। तो अगर आपको देखिए यहाँ पर ठीक लग रही है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बट ये एक कॉलिंग TWS नहीं है, तो कॉलिंग के लिए स्पेशली आपको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए। तो भाई, इसमें आपको गेमिंग मोड देखने को नहीं मिलता है, आपको निराशा ही होगी। इसमें आप डिसेंट गेमिंग कर पाएंगे जैसे नॉर्मली आप कर पाते हैं, तो थोड़ी बहुत आपको देखिए दिक्कत होगी, प्रोफेशनल गेमर्स का तो बिल्कुल भी नहीं है। एक एवरेज गेमिंग आप यहाँ पर कर पाएंगे क्योंकि अलग से डेडिकेटेड गेमिंग मोड इसमें देखने को नहीं मिलता, तो वहाँ पर आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो गेमिंग वाले प्लीज़ इससे दूरी रहिए, आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसकी मेन चीज़ की, जो आती है साउंड, जिसके लिए बहुत सारे लोग इसको परचेज करते हैं TWS को। तो साउंड के मामले में आपको बोलूंगा कि यहाँ पर 13mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं, तो 13mm के हिसाब से देखिए उतना बेस यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। इवन यहाँ पर सिलिकॉन टिप्स भी नहीं है, तो उससे भी थोड़ी बेस की क्वालिटी कम हो जाती है। बट हाँ, इसका जो साउंड है वो क्रिस्टल क्लियर आपको सुनाई देता है, हर एक जो है इसमें वोकल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट है बहुत क्लियरली आपको सुनाई देते हैं। बेस आपको हाईफाई नहीं मिलेगा इसके अंदर, लेकिन आपको मूवी देखनी है, आपको वेब सीरीज़ देखनी है, आपको जो है थोड़ी बहुत गेमिंग जो आप करते हैं तो वो आपको अगर करनी है, तो आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर साउंड आपको देखने को मिलता है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग इसके अंदर सुनकर देखे, तो भाई बेस तो उतना खासा नहीं मिलता है, बट साउंड क्वालिटी A1 है, यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड देखने को मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा सॉन्ग सुन के, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई बेस लवर नहीं है तो। बेस के लिए आपको चाहिए तो आप दूसरे की तरफ जा सकते हैं, बट ये एक बैलेंस साउंड के साथ आता है। जिन लोगों को थोड़ा हल्का म्यूजिक सुनना होता है, जो थोड़ा शांति वाला म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, शांति वाला म्यूजिक सिस्टम भी रखना पसंद करते हैं अपने पास, कि उनको बहुत ज़्यादा जो है बूम बूम पसंद नहीं है, तो भाई उनको ये डेफिनेटली पसंद आएगा।
तो अगर आप कन्फ्यूजन है कि बीट 400 ले साउंड के लिए या ये ले, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। ये आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा साउंड के मामले में। तो डेफिनेटली साउंड के लिए ये रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिनको बहुत हाई फाई बेस पसंद नहीं है। इसमें IPX5 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, तो आप थोड़ी बहुत बारिश वगैरह में भी या पसीने वगैरह आते हैं तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसमें कुछ शिकायत नहीं है उस चीज़ को लेके भी। और इसके अलावा IWP का फीचर आपको देखने को मिल जाता है, तो इंस्टेंट वेकअप एंड पेयर जिसको बोलते हैं, तो आप जैसे ही ढक्कन खोलेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके जो है मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी के मामले में कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो IWP का फीचर जो मायने रखता है वो देना चाहिए कंपनी, वो इसने दिया भी है। इसके अलावा टच कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल टच कंट्रोल्स होते हैं सारे इसके अंदर प्रेजेंट हैं, चाहे आपको इसके अंदर प्ले पॉज करना हो, वॉइस असिस्टेंट को जो है ओपन करना हो, या आपको सॉन्ग को प्रीवियस करना हो, नेक्स्ट करना हो, कॉल को अटेंड डिसकनेक्ट करना हो, और वॉल्यूम का फीचर भी यहाँ पर इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। आप सिंगल सिंगल टैप करके वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि सिंगल टैप से वॉल्यूम को अप डाउन करना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था पहले जो करते थे लोग जो TWS में देते फीचर, वो सिंगल टैप में प्लेन पोज को यहाँ पर दे दिया करते थे। तो होता क्या, जब आप पहनते थे तो एक्सीडेंटली वो प्ले होता था या पोज हो जाता था, तो वो यहाँ पर वॉल्यूम के बटन से रिप्लेस कर दिया है। तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई है कि आप वहाँ पर इसको उससे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं सिंगल टैप से। तो ये दोस्तों कुछ फीचर थे जो इसके अंदर दिए गए थे, और ये मेरा रिव्यू है 8 मंथ्स के बाद, 250 दिन के बाद। तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। फिलहाल 999 इसका प्राइस है, तो प्राइस के हिसाब से डिसेंट है, मैं इसको ओवर वैल्यू नहीं बोलूंगा, डिसेंट है इस प्राइस रेंज में। बट हाँ, आपकी प्रेफरेंस अलग अलग हो जाती है। इस रेट में आप बोलेंगे कि साउंड वाले बहुत सारे आते हैं, कॉलिंग वाले बहुत सारे आते हैं भाई, लेकिन वो ऑल ओवर बैलेंस नहीं होते हैं। आपको सबसे पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट फ्लैट साउंड वाले TWS हैं, या आपको कॉलिंग के लिए चाहिए, आपको गेमिंग के लिए चाहिए, आपको बिल्ड क्वालिटी के लिए चाहिए, या आपको फिटिंग के लिए चाहिए। तो वो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब चीज़ें आपको TWS में दिखाई नहीं देंगी, देंगी भी तो वो भाई बहुत हाई वैल्यू चले जाते हैं, 3-4 हज़ार के आ जाते हैं, इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलता है बैलेंस। तो जो कम प्राइस के होते हैं उसमें कुछ कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, कुछ की नहीं होती है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो दोस्तों आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई चीज़ खरीदिए, चाहे वो मोबाइल हो या TWS हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये किन लोगों को परचेज करना चाहिए, तो जिन लोगों को अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, जो है हल्का TWS चाहिए और साउंड इसमें क्रिस्टल क्लियर हो बट बेस बहुत ज़्यादा ना हो और डिसेंट कॉलिंग हो, तो वो डेफिनेटली इनके लिए परचेज कर सकते हैं। और जिनको कॉलिंग अच्छी चाहिए और साउंड में बेस ज़्यादा चाहिए, तो भाई उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, तो प्लीज़ इसको फिर बाय मत कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। अगर आपको बाय करना है तो परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी परचेज करना है हमें सपोर्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप जो है हमारे अमेजन लिंक से परचेज कर सकते हैं। कोई भी लिंक पर परचेज कीजिए, जो मेरा एफिलिएट लिंक है नीचे, तो आपको कुछ भी परचेज करना वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को भी कि हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं YouTube पर। तो आपको उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से ही हुआ है, आपने मुझे सपोर्ट किया है। तो बस इतने दोस्तों आज के वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में मिलते रहे। सो इस इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।